हेलो गाइस, टुडे आई विल शेयर यू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। पहला है आपका आज का टॉपिक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग वो चीज़ होती है जो आपका सीरीज़ जो आपकी सीरीज़ फील्ड होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारी सीरीज़ फील्ड होती है। तो इसमें जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप को वेरी कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रॉप होता है उसको वेरी करने के लिए, अकॉर्डिंग टू वेरी किससे करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज से। किससे करते हैं? टर्मिनल वोल्टेज से। उसे ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग। किससे कहते हैं? जो हमारी फील्ड है, सीरीज फील्ड है, उसमें जो ड्रॉप होता है उसको वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू टर्मिनल वोल्टेज, उसे ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग। आपका लिखा हुआ है वेरिंग सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज एट रेटेड लोड इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। कैसे करते हैं और ये किस में करते हैं? तो ये हम करते हैं ओनली सिर्फ करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंडिंग में। जो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड होता है उसमें सिर्फ हम ये प्रोसेस करते हैं। और वो क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा जो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है वो कुछ इस तरह से फील्ड वाइंडिंग उसमें आती है। ये शंट है, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, यहाँ पे हमारा आर्मेचर होता है जिसमें जनरेटेड वोल्टेज, ये हमारा क्या है टर्मिनल वोल्टेज। अब इसमें क्या करते हैं हम कंपाउंडिंग, ये हमारा कंपाउंडिंग हम इसमें कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, जो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसमें हम कंपाउंडिंग करते हैं। सिर्फ इसी में ही कंपाउंडिंग करते हैं। कैसे करते हैं? ये हम इसमें एक डाइवर्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाइवर्टर। डाइवर्टर की यूज से हम क्या करते हैं, सीरीज को जो हमारा फील्ड सीरीज है, मतलब ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। और ये रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, मान लीजिए हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज कैसा होता है, ये हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड की कंडीशन में रहता है, ये हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड की कंडीशन में रहता है। तो ये जो ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ है, तो वो पूरा का पूरा हमें जो भी जनरेटेड ईएमएफ, यहाँ पे जो भी ईएमएफ या फिर करंट जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो पूरा का पूरा कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज में। मान लीजिए आपका जो जनरेटेड वोल्टेज है ई जी, वो कितना है? ये हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, हमारा क्या है रेटेड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, ये हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। क्योंकि जो ये जनरेटेड जनरेट कर रहा है, जो भी जनरेटेड ईएमएफ जो कर रहा है, वही हमारा यहाँ पे मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये नो लोड की कंडीशन है। जब ये जनरेटेड ईएमएफ पूरा का पूरा जो हमारा है वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से निकल के इसमें मिल रहा है टर्मिनल के पास, तो वो हमारा पूरा 220 वोल्ट यहाँ से निकला, तो 220 वोल्ट हमें मिला। तो जो हमारा सीरीज़ के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो हमने कितना ले लिया, सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न, वो कितना ले लिया 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट हमने ड्रॉप ले लिया जो यहाँ पे हो रहा है। तो इस ड्रॉप को
कम करने के लिए, मतलब इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्टर का यूज़ करते हैं, इस डाइवर्टर का यूज़ करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। और ये सिर्फ कम्युलेटिव कंपाउंड में ही करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो फील्ड रेजिस्टेंस है, डॉट और ये डॉट, ये क्या है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, आर एस एच प्लस आर एस सी इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। बट जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड है उसमें क्या मिलता है, रिवर्सिबल डायरेक्शन में क्या ये हमारी सीरीज फील्ड सीरीज कनेक्ट रहती है। इस वजह से जो यहाँ पे शंट जो हमारा सीरीज फ्लक्स है, शंट फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है, क्या करता है, शंट फ्लक्स को अपोज करता है वो, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट रहती है। तो इसलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये रीज़न है। और इसमें जो ये जनरेटेड वोल्टेज, अगर ये जो आपका जनरेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहाँ तो हमें कितना मिला, 220 वोल्ट, अगर इससे, तो इसे हम क्या कहेंगे, 220 से 200 और अगर 220 के बीच में हमें ये जो जनरेटेड वोल्टेज मिला उसे हम कहते हैं फ्लैट कंपाउंडिंग, क्या कहते हैं, फ्लैट कंपाउंडिंग। और अगर इससे ज़्यादा लो में मिला, अगर 200 और 220 इससे कम अमाउंट में मिला हमें तो लो, तो हम उसे कहेंगे अंडर कंपाउंडिंग जनरेटर। और अगर इससे हाई में मिला 200 और 220 से हाई में मिला तो इसे कहेंगे ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर, ठीक है। ये आपकी तीन टाइप की कंपाउंडिंग होती हैं, एक होती है फ्लैट कंपाउंडिंग, अंडर कंपाउंडिंग, ओवर कंपाउंडिंग। फ्लैट कंपाउंडिंग कब होती है, जब हमें ईएमएफ जो जनरेटेड ईएमएफ है टर्मिनल वोल्टेज पे सेम मिलता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लैट कंपाउंडिंग। जब आपका जनरेटेड ईएमएफ लो हो और यहाँ मतलब जो जनरेटेड ईएमएफ आपका यहाँ पे लो मिले तो उसको क्या कहेंगे, अंडर कंपाउंड जनरेटर। और जब जनरेटेड ईएमएफ आपका आपका यहाँ हाई मिले तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर। और अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसे वेरी करने के लिए, क्योंकि हमें फ्लैट मिले, बराबर इक्वल मिले, उसे वेरी कराने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्टर का यूज़ करते हैं। यही होता है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग में जो आपका लोड करंट होता है, मतलब वो ज़ीरो ही होगा, यहाँ पर आपको ज़ीरो ही रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे करंट हमारा रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज अगर हमारा ज़्यादा रहेगा तो हमें क्या, करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आपका जो फील्ड है, फील्ड में करंट जाने की बजाय आपका कहाँ चला जाएगा, लोड पे पूरा का पूरा करंट चला जाएगा, ठीक है। तो आप जो मतलब दे रहे हो करंट, तो वो आपको और एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। इसलिए करंट की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नो लोड कंडीशन पर यूज़ करते हैं। और शंट में हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शंट है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, जो शंट है आपका, शंट में वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नो लोड की कंडीशन में होता है, वो कैसा होता है, नो लोड की कंडीशन में होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नो लोड की कंडीशन में होता है। ये देखिए इसमें ये लिखा है, वेरिंग सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। कौन एडजस्ट करता है, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज एट द रेटेड लोड इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। नोट, नोट में क्या है, कंपाउंडिंग इज डन ओनली इन कम्युलेटिव कंपाउंडिंग जनरेटर। ये हमारा क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का सर्किट डायग्राम है, इसी बस में ही हम कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं।
ठीक है, बिकॉज सीरीज फ्लक्स अपोजिस शंट फ्लक्स इन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। जो सीरीज फील्ड होती हैं वो क्या करती हैं, शंट फ्लक्स का अपोज करती हैं, इसलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ही यूज़ करते हैं। इफ सीरीज फ्लक्स एम्पियर टर्न आर एडजस्टेड एग्जैक्टली इक्वल नंबर लोड इंड्यूस ईएमएफ फ्लैट और लेवल कंपाउंड जनरेटर। जब आपका इक्वल जनरेटेड ईएमएफ इक्वल रहता है उसे कि हम क्या कहते हैं, फ्लैट या फिर लेवल कंपाउंड जनरेटर। जो आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर है उसे हम लेवल कंपाउंड जनरेटर भी कहते हैं। जबकि टर्न्स एडजस्ट इक्वल करें लोड से, ठीक है, सीरीज फ्लक्स और इसके टर्न्स इक्वल रहें, बट अगर इसके हाई हो मतलब लो हो गए तो क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर, और अगर हाई हो गए 220 या 2 मतलब जो वोल्टेज है हाई हो गया, ये आपका वोल्टेज जनरेटेड ईएमएफ अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। ओवर कंपाउंड जनरेटर कब कहलाएगा, जब वोल्टेज आपका हाई वोल्टेज हाई हो जाएगा और जनरेटेड ईएमएफ लो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट वोल्टेज बिल्ड अप इन सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर। जो आपका वोल्टेज है वो कैसे बिल्डअप होता है वो हम इस शंट जनरेटर के थ्रू देखेंगे। जो हमारा जनरेटर में पोल्स मतलब जो हमारा वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, आपको तो पता है वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, बट कैसे जनरेट होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, जो हमारी सबसे पहले हमारा कौन सा है, शंट जनरेटर, इसमें कैरेक्टरिक्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है। ये हमारी होती है शंट वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये हमारा आर आई है, यहाँ पे लोड है, यहाँ पर क्या है आरएसएच आईआर। अब देखिए इसको कैसे हमारा जो फील्ड वाइंडिंग में है वो एक्साइट कैसे होती है, फील्ड फ्लैशिंग के थ्रू, फील्ड फ्लैशिंग के थ्रू हम एक्साइट करते हैं, क्या करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं एक्साइटेशन करते हैं फील्ड फ्लैशिंग के थ्रू। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फील्ड फ्लैशिंग के थ्रू हम जब इसमें एक्साइट करते हैं थोड़ा सा, हम कुछ टाइम के लिए हम डीसी सप्लाई कर देते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है एक फ्लक्स क्रिएट होता है, फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है हमारा ईजी बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ेगा ईजी बढ़ेगा, ईजी बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा आईएसएच बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो आईएसएच बढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं फील्ड फ्लैशिंग का यूज़ करते हैं उसे एक्साइट करने के लिए। तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं कैसे बढ़ता है, ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये किस कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ई नॉट। एक चीज़ आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जो आपका शंट है, शंट में क्या होता है नो लोड की कंडीशन में रहता है, जहाँ शंट फील्ड वाइंडिंग होगी वहाँ नो लोड की कंडीशन में रहेगा, तो नो लोड की कंडीशन में रहेगा जब, तो ईजी आपका क्या रहेगा वो भी नो लोड की कंडीशन में होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ई डॉट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या कहलाएगा नो लोड जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है, नो लोड जनरेटेड ईएमएफ कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नो लोड की कंडीशन में, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया है ई नॉट प्रोपोर्शनल फाई। यहाँ पर क्या लेंगे,
फाई प्रोपोर्शनल आई एफ, क्योंकि हमारी ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में ही हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये हमारा ईएमएफ, कुछ ईएमएफ इस फील्ड वाइंडिंग में रहता है पर कम रहता है, तो ये फ्लक्स हमारा क्या है, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जनरेटेड ईएमएफ धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यहाँ पे आपका पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ, तब जनरेटेड ईएमएफ बढ़ा, उसके बाद वोल्टेज बढ़ा, शंट करंट बढ़ा, फिर अगेन आपका फ्लक्स और बढ़ा, फिर उसके बाद जनरेटेड ईएमएफ बढ़ा। कब तक होगा, जब तक कांस्टेंट ना हो जाए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये बढ़ रहा है कब तक, जब तक ये कांस्टेंट नहीं हो गया, ये कांस्टेंट नहीं हो गया तब तक ये जनरेटेड ईएमएफ हमारा बढ़ रहा है। तो यही था आपका शंट जनरेटर। बट हमने क्या बताया यहाँ पे, ईजी आपका क्या बताया, एक कंपाउंडिंग कर रहे हैं। कंपाउंडिंग में क्या बताया था मैंने आपको, कि अगर हम हाई करते हैं उसे हायर, इसमें फ्लैट कंपाउंडिंग कहते हैं, अगर इक्वल रहेगा हमारा ईएमएफ, जो टर्मिनल वोल्टेज रहेगा इक्वल रहेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्लैट। तो वो भी हम देखेंगे कैसे। कुछ स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इस लाइन का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग शुड बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस वह रेजिस्टेंस होता है जिसमें जनरेटेड वोल्टेज बिल्डअप होता है। हम क्या निकाल रहे हैं, जनरेटेड वोल्टेज बिल्डअप कैसे हो रहा है, तो वो अभी हम देखेंगे। अभी हमने इसमें सिर्फ जनरेटेड ईएमएफ देखा है, यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ हो रहा है, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा। तो यहाँ पे वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो जनरेटेड वोल्टेज जिसमें बिल्डअप करता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग शुड बी लेस देन, जो हमारी रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस देन क्रिटिकल क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि आपका आई एस एच इज इक्वल टू क्या, वी अपॉन आर एस एच होता है। अगर आपका आर एस एच ज़्यादा होगा तो आई एस एच क्या होगा, कम होगा, आपके फ्लक्स आर एस एच वो भी कम होंगे, तो जो जनरेटेड ई एम एफ होगा वो भी लो होगा ना। इस वजह से जो हमारा आर एस एच है, जो रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी नॉट should not be less than critical speed of the field winding should not be less than critical speed। आपका क्या होना चाहिए, critical speed से कम नहीं, मतलब speed क्या होनी चाहिए field winding की, कम नहीं होनी चाहिए critical speed से, ठीक है। अब क्रिटिकल स्पीड हमारा क्या है, वो पॉइंट है जिसमें वोल्टेज बिल्डअप होता है। कैसे बिल्डअप होता है, ये हम एक कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू देखेंगे। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग थी, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, किसके बीच, फील्ड वाइंडिंग और जनरेटेड ईएमएफ के बीच। ये हमारा क्या था, जहाँ पे हमारी जनरेटेड ईएमएफ हो रही थी और कांस्टेंट हो गई थी, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रही थी। अब देखिए ये लाइन कौन सी, वोल्टेज की लाइन है, वोल्टेज की लाइन है। ये वोल्टेज कितना है हमारा, 50 ओम हमने मान लिया, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस है 50 ओम, हमने रेजिस्टेंस कितना लिया है, 50 ओम हमारा लो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज, ये हमारा डॉट जो है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को बिल्डअप कर रहा है, वोल्टेज बिल्डअप
अब दूसरा, जब हमने 50 ओम से 100 ओम जब लिया, जब हमने इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो हमें क्या मिला, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस मिला। ये होता है हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या होता है हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस। बट अगर इससे हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर 200 ओम कर दिया, तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी लाइन को नहीं कट कर पा रहा है, जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है उसे कट नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कोई भी जनरेटेड बिल्डअप नहीं हो रहा है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि जो हमारा जनरेटेड है कहाँ पर बिल्डअप होता है, जब हमारा रेजिस्टेंस फ्लैट हो, मतलब एक कांस्टेंट 100 पे हो। बट अगर लो रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ जनरेटेड बिल्डअप होगा। इसलिए हमारा हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये वोल्टेज बिल्डअप मिल रहा है, और ये हमारा क्या है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। निकालेंगे कैसे, ये हमने पॉइंट पी ले लिया, ये हमारा पॉइंट आर हो गया, ये ओ मान लिया, और इसमें टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, आर सी इज इक्वल टू आर टी वोल्टेज बिल्डअप अपॉन टी ओ, सॉरी ओ टी। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ई एम एफ है, ये आई एफ है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी लाइन है, जब हमारा वोल्टेज यहाँ पे क्या है, हाई है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, हाई, ये हमारा फ्लैट वोल्टेज है। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है एन सी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है आर, ये वोल्टेज बिल्डअप है, ये कितना है, 100 ओम है, बिल्डअप हो रहा है। बट इससे लो किया 50 ओम, तो कितना मिल रहा है हमारा, क्रिटिकल वोल्टेज मिल रहा है, एन सी मिल रहा है। और अगर इससे कम में गए तो हमें क्या मिल रहा है, कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, हमें कोई, हमें करंट मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हमारा रेजिस्टेंस क्या, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए, एक मीडियम पॉइंट पर होना चाहिए, जिसपे हमें क्रिटिकल रेजिस्टेंस मिल सके, हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो सके। यहाँ पे वो चीज़ आपको शो हो रही है इस कैरेक्टरिस्टिक से। आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये डॉट है, सामने टी मार रहा है, ये एस पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है। ठीक है, इसमें आप क्रिटिकल वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, आर टी अपॉन एस टी वी वी एन रेटेड अपॉन एन सी। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल वोल्टेज का फॉर्मूला है। इसमें ये क्या है, ओपन सर्किट में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसा है, ओपन सर्किट में, तो ये आपको ओपन सर्किट, आपको ये पता होना चाहिए। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।